शोल्डर वर्कआउट हुआ है, कैसे दिख रहे हैं? हाय है, यही है मेरे मम्मी। इनको जहाँ पे भी देखो तो सेल्फी पूछना पहले। मार खाएगा, कट कर रहा हूँ, बोल दे। इसका पीछे रेडी फ्रेम में है। तो जी बहुत बहुत जुमा मुबारक आप सभी को। आज जो है फिर से वाईफाई का इशू चल रहा है, जिसकी वजह से अपन लॉगिन नहीं कर रहे। अभी लॉगिन नहीं कर रहे तो दिन भर नहीं चला तो पोस्टल लीव में चला जाएगा, जिसका ना अपने को कुछ फायदा होगा बल्कि अपने को नुकसान हो जाएगा, दिन वेस्ट हो जाएगा। तो इसको प्रोडक्टिव करने के लिए आज अपन बाहर जाएंगे। तो करते हैं पहले वीडियो को शुरुआत। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सम वीडियोस। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो यहाँ पे इमा भाई कर रहे हैं अपनी इंस्टा रील्स की तैयारी। अगर नहीं फॉलो करते हो तो फॉलो कर लो उनको इंस्टाग्राम पे। क्या है मम्मी? नाश्ता? चाय रोटी। तो चाय रोटी है मेरा आज का नाश्ता, पीछे रेडी फ्रेम में है। तो दिस इज आवर नाश्ता, आज है रोटी और चाय। ये मेरी चाय, रुक ना, मैं मेरे को थोड़ी दे। ये चाय, हाँ अब तुम ले लो। तो यहाँ पे है मेरा रास्ता, वहाँ पे है डैडी का। ये वाईफाई का इशू जो है चलता रहेगा और उसके वजह से हमारा जो है छुट्टी भी हो सकती है। तो इससे दिन को प्रोडक्टिव करूँ और कुछ कुछ काम कर लूँ। तो सुफियान के साथ जा रहा हूँ बाहर, थोड़ा कुछ सामान लेके आ जाते हैं तो एटलीस्ट कुछ तो काम होगा। तो आए थे हम यहाँ पर लेने के लिए कुछ इनर वेयर सुफियान भाई के लिए, बट यहाँ पे जमा नहीं, ट्रैक देखे वो भी नहीं जमा। अभी जाएंगे मैक्स, वहाँ पे जाके देखेंगे, अगर जमता है तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरी जगह पे देखेंगे। ऐसे दिख रहे तुम्हारे जंड भाई और जंड सोफियान भाई जो अभी हो रहे हैं जंड। बस तो भाई जो है ट्रैक पसंद कर रहे हैं, तो ये ट्रैक उसको अच्छी लगी है। देख रहे मीडियम साइज है इसका, देखेंगे दोनों साइड पे पॉकेट है, अच्छी है क्वालिटी, मटेरियल सब अच्छा है। देखेंगे अभी क्या है, पसंद आ रही है तो ले लेंगे यही। तो भाई को जो पसंद आया उन्होंने वो मेरे हाथ पे टंगा दिए एज इफ आई एम लाइक हिज मैनेजर और समथिंग। तो अभी जाके सर को देता हूँ, सर थोड़ा पहन के ट्राई करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि कैसा है। सर सर प्लीज़ एक आप एक एक ट्राई कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि फिटिंग कैसी है। तो जा रहे हैं सर अंदर ट्राई करने, तो प्लीज़ ट्राई करके बताइएगा। तो सर को जो है ये टी शर्ट भी ट्राई करनी है, मैं बोला लेना नहीं लेना वो बात की बात है, तो एक बार ट्राई तो कर ले टी शर्ट कैसी लग रही है इसके ऊपर तो मालूम पड़ जाएगा। ले सफी। तो सर हो गए हैं रेडी, सर थोड़ा टर्न अराउंड दे दो सर। तो ऐसा कुछ भाई का लुक है, देखो पसंद आता है तो अच्छी बात है। वर्कआउट के रिजल्ट्स दिख रहे भाई पे भी, बस हो गया, बहुत फ्लेक्स कर रहा हूँ अभी। अभी तक तुम्हारे भाई को किसी ने हेलो हैंडसम नहीं बोला है, बोली है एक ने बट वो रहने देते हैं। फिलहाल कौन बोल रहा है वो देख लो, ये देखो दिखा क्या, हेलो हैंडसम यो भाई हैंडसम। दूसरी ट्रैक भी पहन लिया है तो पहला दिखा दो आपको कैसे दिख रहे हैं सर। ओहो सर को फिटिंग बहुत धमाल आ रही है, कलर वीडियो में नहीं मालूम पड़ रहा है, हाँ अब मालूम पड़ रहा है, स्ट्रेट खड़े रहे। ये एक्चुअल में है कैमोफ्लॉज कलर ग्रीन एंड ब्लैक का, तो फिटिंग बहुत अच्छी है। तो आफ्टर सो मच ऑफ मुशक्कत हमने ट्रैक ले लिया है, उसके बाद में अभी टी शर्ट और दूसरा चीज़ जो है दूसरी जगह से लेंगे। थैंक यू फॉर शॉपिंग विद अस, यू आर वेलकम। और बाहर हो रही है धूप और साथ ही में पड़ रही है बारिश, ये बेंगलोर का मौसम क्या ही बोल सकते हैं बेंगलोर के मौसम को, धूप में भी बारिश पड़ती है। पता नहीं आज कौन से कौवे कबूतर की शादी हो रही है, पता नहीं। तो नाउ वी केम टू बाटा, बाटा में जाएंगे थोड़ी कुछ शॉपिंग करेंगे। सुफियान इज प्लानिंग टू बाय वन ऑफ दिस स्लीपर्स, दिस वन और दिस वन। तो इसका कलर अच्छा है, कॉम्बिनेशन ब्लू मतलब नेवी ब्लू है और वाइट है बेस, तो अच्छा है और मेमोरी फोम है, दैट मीन्स ये कम्फर्ट होगा। तो अभी देखते हैं उसको कौन सी पसंद आती है। क्या बोलता सोफी, कैसा लग रहा है? एकदम रिलैक्सिंग, कम्फर्टेबल है ना? शायद देखो इससे भी बड़ा चाहिए साइज़ ना? बड़ी हो जाएगी, हाँ वो खुलती है। चप्पल इधर पे घूम थोड़ा। तो ये दोनों डिफरेंट कलर है, एक ब्लू है और एक ब्राउन है। सुफियान को ब्लू पसंद आई है, 6 नंबर और 7 नंबर। ब्लू में जो है 7 नंबर नहीं है, 6 नंबर है, बट इसको यही कंफर्टेबल लग रही है। तो अभी देखते हैं कौन सा कंफर्म करेगा ये। तो बड़ी निराशा के साथ में जो हमें यहाँ से निकलना पड़ रहा है, क्योंकि जो सुफियान को साइज लगता है 7 नंबर का
तो वो अवेलेबल नहीं है और दो दिन का ऑर्डर करने के लिए बोल रहे हैं, तो उतना अपन वेट नहीं कर सकते। और दो दिन के बाद भी एक बार ऐसे ही हमने ऑर्डर किया था, फिर थोड़ी परेशानी हो गई थी, तो इसके लिए हमने सोचा कि क्यों एक्सपीरियंस फिर से करें, बेटर है कि आएंगे फिर कभी अगर मिल गया तो ले लेंगे, नहीं तो इतनी भी कोई भाई नहीं है। बिकॉज मोस्ट ऑफ टाइम जो है वो अभी तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो वो मोस्ट ऑफ टाइम घर पे ही रहता है, तो मतलब नहीं है कि फिर ऑर्डर करे, इतना टाइम वेट करे, फिर कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हो, फिर उसके बाद में उसको झेले, तो काय को एक्सपीरियंस ख़राब करने का। तो जी हो गया यहाँ का कार्यक्रम पूरा, ऊपर देख सकते हो आसमान भी जो है डार्क होने आ गया है, तो मतलब रात होने आ गई है। बहुत लंबा एक कॉल चला है, अभी क्या ही बताऊँ उसके बारे में आपको, तो इन फ्यूचर कभी ऐसा मौका पड़ेगा तो बताएंगे, नहीं तो फिर रहने देंगे क्यों फालतू में किसी का नाम ये करना। बस अभी निकलते हैं यहाँ से, हम आ गए हैं फिर से वहीं पर जहाँ पे फर्स्ट विजिट किए थे सुफियान भाई के ट्रैक और पैंट्स के लिए, इनोवेयर के लिए, तो अभी वही ले लेंगे फिर से। तो भाई का भी परचेस करके हो गया है, मिल गई है उनको इनोवेयर, जो ब्रांड में चाहिए था वो ब्रांड की नहीं मिली, बट फिर भी जो है दो ले लिए गए। आई एम ऑल सेट एंड रेडी टू लीव फॉर जिम। तो आप देख सकते हो टाइम क्या हो रहा है, 9:45, जिम के लिए काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए हैं, तो बारिश भी आना जाना, तू उतर हिमा। तो बस अभी निकलते हैं जल्दी। तो बारिश जो है हल्की हल्की चल रही है, हम लोगों ने बोला है कि यार अभी रुकेंगे तो ज़्यादा लेट हो जाएगा, जिम बंद हो जाएगी, और मेरे को आज का दिन छोड़ना नहीं था क्योंकि आज जो है शोल्डर है, लास्ट एक डेढ़ हफ्ते से शोल्डर नहीं किया है, तो बस अभी जिम के करीब में है, बारिश जो है हल्की हल्की है, इमरान है, इमरान को जो है गाड़ी देके भेजना है क्योंकि उसको कहीं पे और जाना है। चल ठीक है अम्मा निकल, दोबारे मेरा जिम का बैग तो दे दे, चल संभाल के जा, अल्लाह हाफिज। रीच टू जिम, अभी फटाफट जाएंगे शोल्डर करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं है और 9 बज के गया, दैट मीन्स के ज़्यादा टाइम भी नहीं है अपने पास में। अगर आप जिम ज्वाइन कर रहे हो बिगनर को, तो अगर आपके जिम में ट्रेनर एकदम एक्टिव है, हमेशा रहता है कोई ना एक ट्रेनर, और वो आपको प्रॉपर तरीके से ट्रेन करता है, मतलब ध्यान दे रहा है, मतलब हमेशा रह रहा है, तो भाई आप एकदम बेस्ट जिम में ज्वाइन किए हो। क्योंकि बहुत सारे जिम्स में ऐसा होता है कि बस बंदे खड़े रहते हैं लेकिन आपको बताते नहीं है। मेरी जिम में वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है, बट इसके अंदर एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगती है, जो कि यहाँ का जो ट्रेनर है वो सुपर एक्टिव है, और अगर आप उनसे अच्छी बातें करते रहो, अच्छे से बना के रखो रिलेशन, तो आपको इतना ज़बरदस्त ट्रेन करेंगे ना कि पूछिए मत। आज मेरा शोल्डर का था वर्कआउट और इतना बवाल वर्कआउट हुआ है, और इमरान भी आ गया है, और मेरे तेरे नाम तो बैकग्राउंड में चल रहा है मेरा फेवरेट सॉन्ग, मेरी तमन्नाओं की तकदीर तुम, क्या था मैं, मेरी तमन्नाओं की तकदीर तुम बदल दो सवार दो। तो ये जो है वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग है 1970s में, हमेशा मैं ये लगाता हूँ और बहुत अलग लेवल का एकदम मेलेडी फीलिंग्स है इसकी। तो खैर कुछ और आपको दिखाना है, मेरा मील दिखाना है, और एज यूजुअल आफ्टर दैट आई विल एंड दिस वीडियो। सो दिस इज माय मील, इसमें है 2 स्कूप ऑफ म्यूसली, जिसके अंदर यू ऑल नो के जो सीड्स वाला है मैं वो यूज करता हूँ, फ्रूट्स एंड नट्स वाला, एंड हियर आई एम हैविंग 4 eggs, जिसमें से एक जो है होल एग है और 3 जो है वाइट एग्स है, तो दिस विल बी माई डिनर फॉर द डे। तो फैट लॉस का पता नहीं, बट मसल गेन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ है, सो देखते हैं, अभी बहुत कम डेज बाकी है बर्थडे के लिए, जो डेडलाइन है मेरा 1 महीने का, जो ट्रांसफॉर्मेशन लिया हूँ फैट लॉस के ऊपर, तो मैंने ज़्यादा मेहनत नहीं किया तो पता नहीं, बट मसल गेन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ है। तो इसी बात पे आज की इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो के ऊपर लाइक कर देना, औरों के साथ में शेयर कर लेना, मेरे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। I'll catch you in my next video. Till that time, right? Safe, be safe, respect your mom, respect your family. As always, Allah Hafiz.